स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि लाडली बहना योजना में एक बड़ा अपडेट आया है जो कि आप सभी को जानना जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 मिनट पहले ही ये ट्विटर पर अपडेट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जिसका वीडियो भी अपलोड किया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखिए क्योंकि CM लाडली बहना योजना में बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर आपको निकल कर आ रहा है। दोस्तों इसमें आपको जो 10 तारीख को 1000 रुपये मिलने वाले तो उसके रिगार्डिंग बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो चलिए क्या है वो अपडेट पहले हम जान लेते हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि लाडली बहनाओं के बैंक खाते में सिर्फ 1 रुपये आ गया। यदि 1 रुपये आया तो ही आप लाडली बहना बनेंगी। 1 से 7 दिन तक प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे, या तो आपके घर घर देने आ सकते हैं या आप पंचायत में जाकर भी अपने प्रमाण पत्र ले सकते हैं। अगर आपको प्रमाण पत्र मिल गया तो 100% आपके खाते में 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक 1 रुपये भी आएगा और 10 तारीख को जो है वो 1000 रुपये भी आएगा। 1 रुपये कन्फर्म करेगा कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है या गलत है। प्रदेश में लाडली बहना योजना में 1 रुपये नहीं बल्कि प्रदेश भर में महिलाओं को 1001 रुपये मिलेंगे। प्रदेश भर में इसके लिए 1 रुपये डालने की शुरुआत शनिवार से की जाएगी। यह इसलिए ताकि ये सब सुनिश्चित खाते किए जाएं कि सभी खाते सही है या नहीं। 1 जून से 7 जून तक सभी बहनों को बुलाकर प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इस तरह बहनों को पहली बार में 1 रुपये और उसके बाद 10 जून को बाकी 1000 रुपये मिलेंगे। 1 रुपया जमा कर जांच की जाएगी किसके खाते में कोई परेशानी तो नहीं है। अगर किसी के खाते में कोई ट्रांसफर में तकनीकी मोबाइल दिक्कत है तो उसे सुधार किया जाएगा। कुल मिलाकर बात इतनी है दोस्तों, अगर आपका आपके खाते में 1 रुपये आ गए तो ही आपके खाते में 10 तारीख को 1000 रुपये डलेंगे। मतलब इस पहले महीने की जो लाडली बहना की किस्त है वो 1001 रुपये आने वाली है। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपये आ जाएगा। दोस्तों सबसे मेन बात यह है, अगर आपकी DBT इनेबल नहीं है या आपका आधार लिंक नहीं है बैंक से तो आपके खाते में 1 रुपये नहीं आएंगे। और अगर आपके खाते में 1 रुपये नहीं आए तो भी 10 तारीख को 1000 रुपये भी नहीं आएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने बैंक खाते जरूर चेक करवा लेंगे KYC है या नहीं। अगर आपको चेक करते नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमें बैंक कौन सी बैंक में हमारा आधार कार्ड लिंक है या DBT लिंक है, हमें चेक करना है कि है भी या नहीं। तो हम जरूर आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो ही हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो वो सभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको चेक करवाना है या नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो भी आप जरूर देख लिया जाए जो CM शिवराज सिंह ने 20 मिनट पहले ही यहाँ पर अपलोड किया है, ठीक है। 20 मिनट पहले ट्वीट किया है तो उसे जरूर देख लीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।